पावर पैक डिजाइंस। तो सर्वप्रथम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आगाज। और मैं चाहूंगा जितनी पब्लिक ऑडियंस हमारे बीच है, क्योंकि हम हमारी भारतीय हिंदुस्तानी परंपरा का एक अभिन्न अंग यहां पर पूरा करने जा रहे हैं माँ सरस्वती की आराधना के साथ, चाहूंगा सभी से जोरदार तालियां करके इस पल को और खास बनाइए। महाभद्रा महामाया
हम
सीक्वेंस के पहले, क्योंकि बच्चों ने खूब मेहनत करके इसे प्रिपेयर किया है, इतने सारे यहाँ पर आप ऑडियंस हैं, और मैंने सुना है कि इंदौर की ऑडियंस काफी अग्रेसिव होती है, और अग्रेशन का एक रूप आपको रसरूम बनारस में भी देखने को मिलेगा। सो गाइस, गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर फर्स्ट सीक्वेंस।
सभी सीक्वेंस कुछ इसी प्रकार का पावर और पोटेंशियल रखते हैं। सो गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू थीम। जो हमारी सेकेंड थीम है उसका नाम है सोलर ह्यूज। जैसा कि वर्ड अपने आप में प्रेजेंट करता है, द सनराइज एंड सनसेट, द होप, कुछ करने की आशा, अभिलाषा, आगे बढ़ने की क्षमता। सन हैज अ डाइवर्स इफेक्ट ऑन एवरी इंडिविजुअल, व्हाइल द सनसेट इट्स सो mesmerizing that one can just sit by the bay and have multiple thoughts in her or his head. While for others it is a relaxing time. और जब भी हम sunrise और sunset को देखते हैं तो एक नई आशा, एक किरण हमें दिखाई देती, कुछ नया, कुछ अलग हटके, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। द सोलर यूज इंस्पायर्ड फ्रॉम द सेम द कलेक्शन हैज क्वाइट स्मूथिंग एज वेल एज वाइब्रेंट कलर इंस्पायर्ड फ्रॉम द सन। द टेक्सचर एंड द प्रिंट यूज ऑल्सो इंडिकेटेड द मल्टीपल थॉट्स वन माइट get while sitting around and watching the sunset. Whereas the sun teaches how to refill us, how to recharge your battery, so वैसे ही हमारे सेकेंड सीक्वेंस का कलेक्शन भी कुछ इन्हीं बातों की तरफ इशारा करता है। और वंस अगेन आई विल टेल यू गाइस कि ये जो पूरा कलेक्शन आप देख रहे हैं, ये हमारे ही स्टूडेंट यानी कि DSIFD की जो स्पिरिट है, जिल है, जो पावर है, जो पावरफुल स्टूडेंट्स है, उन्हीं ने प्रिपेयर किया है। सो आइए सोलर ह्यूज को लाइवली स्टेज पर लेके आते हैं। सो गाइस, प्लीज वेलकम सेकेंड सीक्वेंस ऑफ इंटायर शो सोलर हाउस। आपकी तालियों के साथ, कम ऑन गाइस, आर यू रेडी? सो आपके बीच सोलर ह्यूज। We'll be right back.
कलेक्शन रेडी किया आपके सामने है द डिजाइनर से फरीदा भोपाली एंड सारी रहे गाइस एक बार पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां इतने अनूठे डिजाइन के पीछे मेहनत है हमारे डिजाइनर्स की और जो स्टेज पे हमारे यूनिक डिजाइनर खड़े हैं जैसे वी आर कॉल आर्टिस्ट इंदौरी सो वी हैव डिजाइनर फरीदा भोपाली भी था सो भोपाली जी के लिए जोरदार तालियां गाइस बिकॉज हमारा कल्चर है हमारा सिटी हमें सिखाता है रिस्पेक्ट करना So respect others, then others respect you. Thank you so much. Okay, so guys, ये भी collection शायद आपको out of the box लगा होगा. Apart from all the fashion show held in Indore, शायद कुछ अलग करने की चाहत ही हमें ऐसे fashion shows में लेकर आती है. और DSIFD हमेशा ये कुछ अलग करने की चाहत भी रखता है. So guys, we are moving on to our next sequence, third sequence जो है इसका नाम बड़ा ही अलग है जैसा कि हम DSIFD को रिप्रेजेंट करते हैं क्रिएटिव अलग सो द नेम ऑफ द थीम इज एक्सप्रेसिव बास्केट जिस प्रकार हम एक बास्केट में तरह तरह की चीजें कलेक्शन करते हैं और काफी अलग अलग चीजों का एक कलेक्शन मास्टरपीस बनाकर एक बास्केट के अंदर रखते हैं उसी प्रकार ये जो सीक्वेंस है इसमें भी आप कुछ मास्टरपीसेस देखने वाले हैं क्योंकि अ बास्केट इज कंटेनर दैट इज ट्रेडिशनली कंस्ट्रक्ट फ्रॉम स्टिफ फाइबर्स एंड कैन बी मेड फ्रॉम अ रेंज ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग वुड रनर्स एंड काइंड व्हाइल मोस्ट बास्केट्स आर मेड फ्रॉम planet material plastic material or we would say different kinds of material other materials such as horsehair baleen or metal wires can be used when we made a basket are generally woven by hand some basket are fitted with a lid while others are left open to top So, इस सीक्वेंस के माध्यम से हम हमारे देश के जो वीवर्स हैं जिन्हें हम बुनकर भी कहते हैं जो आपने कभी देखा होगा लकड़ियों की जो बास्केट होती है या फिर घास की शाखाओं से बनी जो बास्केट होती है उसका फील उसका टच ही कुछ अलग होता है हम बात करें देहरादून की जहां पर चाय पत्ती का उत्पादन प्रोडक्शन होता है वहां भी हरी घास की और नेचुरल बास्केट जो होती है हम यूज करते हैं सो थ्रू दिस थीम ये हम डेडिकेट करना चाहेंगे सीक्वेंस हमारे वीवर्स को हमारे बुनकर समुदाय को बुनकर समाज को उनके द्वारा दिए गए योगदान से जो कि आज जो हैंडीक्राफ्ट मटेरियल हमारे इंडिया का है वो पूरे विश्व में शायद इसीलिए फेमस है क्योंकि वो कुछ अलग और अनूठा है सो इस सीक्वेंस में भी आप वैसा ही कुछ देखेंगे So guys, आइए चलते हैं एक और सीरी आगे a platform ahead और आपके बीच रखते हैं सीक्वेंस जो कि फुल्ली हम समर्पित करते हैं हमारे वीवर्स भाइयों को हमारे बुनकर भाइयों को a tribute to people who made basket with the help of nature so इसमें नेचर्स के रंग और कुछ अलग देखने को मिलेगा सो गाइस प्लीज वेलकम थर्ड सीक्वेंस द एक्सप्रेसिव बास्केट गिव देम अ ह्यूज 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 राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस प्रोग्राम में बैठे हैं
So guys, give them a huge round of applause. What a beautiful collection it is. So guys, ऐसे ही कुछ अलग और कुछ नए collections आपके बीच आने को अभी भी तैयार है. So now we moving on our next sequence. और इस sequence में आप कुछ अलग, कुछ अनूठा collection देखने वाले हैं. The theme is Aquamest, a world of dreamness, एक सपनों की दुनिया. In this sequence, we want to celebrate the magic of femininity, the magic of feminism, नारी शक्ति और नारी के वास्तविक चरित्र की हम अगर बात करें, उसके तेज की बात करें, या फिर बात करें ये पूरी धरती कहां से शुरू हुई, तो बिल्कुल हम हमेशा एक नारी के सामने नतमस्तक ही रहेंगे. तो ये सीक्वेंस कहीं ना कहीं फेमिनिज्म की ओर हमें ले जाता हुआ, साथ ही एक सपनों की दुनिया. आपने मोमेंट्स तो सुनाई होगा जलपरिया, सो कहीं ना कहीं ये सीक्वेंस एक्वामिस्ट हमें उस दुनिया में भी लेकर जाएगा. इन दिस सीक्वेंस वी वॉन्ट टू express the brilliance and the glamour of women. We are trying to enhance their charm with our creation. We look at femininity with our utmost respect. In this collection, it's a mixture of various element of such spontaneous lightness that it looks like a dream. It's a dream of luminous moments emerging from the waves and along with the sea and the potential. The collection indeed had a liquidity quality. Viscous silhouettes dripping in the silver ocean blue sequence. In this collection, extra vigilance and lightness makes a very combination. In the end, that dreamy dimension is what true youth culture should be about. यानी कि पूरे सीक्वेंस में आपको नारी के विविध रूप, उनके रंग और साथ ही एक सपनों की दुनिया और फेमिनिज्म की ओर ले जाता है ये सीक्वेंस. तो आइए वेलकम करते हैं स्टेज पर एक एक्वामैन. अभी हम सभी ने देखी, सो कहीं ना कहीं जलपरियों की बातें, उनकी दुनिया, जल के अंदर जीव जंतुओं का जो जीवन है, वो कहीं ना कहीं हम हमारे कलेक्शन में रिप्रेजेंट करने वाले हैं. साथ में फेमिनिज्म, द पावर ऑफ वुमन,
So guys, please welcome the Aquamest. Give them a huge round of applause for our designer guys. और आप ये पूरा शो लाइव देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, साथ ही लिंक शेयर कर सकते हैं सराउंडेड द वर्ल्ड.